Party! Hey, hey! Congress 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 Party! Hey, hey! Congress! Hey, hey! Hey, hey! Mahagathbandhan! 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 MC! Hey, hey! MC! Hey, hey! मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो महाभग गठबंधन के खिलाफ है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें देश विरोधी कानून को निरस्त करने की बात की गई है। उसके अलावा जो असपा है, जो जम्मू कश्मीर में लागू है, जो विशेष पावरें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी को देता है उसको भी समाप्त करने की बात की गई है। हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। पिछली बार भी जब पीडीपी सत्ता में थी भाजपा के साथ उस प्रकार की भी इस की गई थी, लेकिन जम्मू के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। जम्मू के हित में कोई भी पार्टी बात नहीं करती है, हमेशा कश्मीर के लोगों को खुश करने की बातें की जाती हैं। हम आज कांग्रेस एनसी और पीडीपी के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि एनसी का जो एक बारामूला से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां के जो क्या नाम है उसका, उसने विधानसभा में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और उसके अलावा वहां पर भी वो बोलता है कि अगर पाकिस्तान को कोई गाली देगा तो मैं 10 बार उसको गाली दूंगा। कल जैसे पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में लगा है कि फारूक अब्दुल्ला की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जीवो जीवो पाकिस्तान, इस प्रकार के नारे लगाए गए, और वो नेता ऐसे चुपचाप सुन रहे हैं। ये देशभक्त नेता नहीं हो सकते, देश विरोधी नेता है। अलग प्रधानमंत्री की मांग करते हैं फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग पीएम होना चाहिए, इस पर कैसे रिएक्ट करें? मैं बता देना चाहता हूँ, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के बाप की जागीर नहीं है जम्मू कश्मीर। 40 लाख हिंदू रहता है यहाँ पर, वो डिसाइड करेगा कि जम्मू क्या चाहता है। फारूक अब्दुल्ला इसमें फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं रखता है, ना तो वो इस टाइम एमएलए है, ना वो एमपी है, ना भारत सरकार में कहीं वो नजर आते हैं, इसलिए उनका कहना ना कहना कोई मायने नहीं रखता।